हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं खजौली में, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र का खजौली प्रखंड में आरजेडी का कार्यालय है, वहीं पर मैं बैठा हुआ हूं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो मधुबनी जिला के राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है आज, तो इसके बाद आप लोग क्या आकलन कर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर? हम लोग पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री गुलाब यादव जी, जो झंझारपुर के वर्तमान विधायक भी हैं और महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, वे निश्चित रूप से कम 1,00,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, वो उन्हें एक बहुत ही तगड़ा फाइट दे रहे हैं। और वो समीकरण आप बताइए जिसके आधार पे आप कह रहे हैं कि 1,00,000 से ज़्यादा मतों से आप विजय होंगे। जेडीयू का जो उम्मीदवार बोल रहा है, उनका झूठा दावा है। चूँकि उन जेडीयू का जनाधार खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार जी जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और जनता के मत का चोरी किए, जनता के साथ विश्वासघात किए, तो जेडीयू का कोई जनाधार अब बिहार में नहीं रह गया है। बीजेपी का जो कुछ भी बचा खुचा है सो बीजेपी का है, जिसके बदौलत उनको जितना मत मिल सके। जहाँ तक बात रही रामप्रीत मंडल जी के, तो वे भी एक तरह से आयातित प्रत्याशी हैं। वे पहले भी, आज से मैं जिला का महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, पिछले 2 बरस पहले तक वे राष्ट्रीय जनता दल में जिला के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। लक्ष्मेश्वर राय के विधायक बनने के बाद, लोखी के विधायक बनने के बाद वे जदयू में गए और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूंजी वाले लोग हैं। तो मैं आरोप नहीं देना चाहता हूं, आप अच्छे पत्रकार हैं, एंकर हैं, तो टिकट किस तरह से मिलता है कई दलों में, सो छिपी हुई बात नहीं है। उस आधार पर वे टिकट लेके आए हैं। उनका कोई भी पहचान इस संसदीय क्षेत्र में नहीं रहा, सिवाय वे खुटौना के प्रखंड प्रमुख हैं। जबकि हमारे उम्मीदवार वर्तमान में भी झंझारपुर विधानसभा से विधायक हैं, वे भी लखनऊ प्रखंड के प्रमुख रह चुके हैं वर्ष 6 से 11 में। और वे जाने पहचाने लोग हैं, लोकप्रिय हैं, उनका एक अपना जनाधार है। और हमारा प्रत्याशी, महागठबंधन का प्रत्याशी है, सारे लोग जानते हैं कि बिहार में किसी का भी जनता के बीच में पैठ है, अपना मत सुरक्षित है, तो वह है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मत में कभी बिखराव नहीं हुआ है, छीजन हुआ है, बिखराव नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दलित पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार किया, आज एक आक्रोश देखा जा रहा है दलित में, पिछड़ों में। निश्चित रूप से वे सारे आक्रोश मत में डाइवर्ट हो रहा है और समाज के हर तबका का वोट हमारे उम्मीदवार को, हमारे दल को मिलने जा रहा है। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मतलब वोट हमारा जो है इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ से एक देवेंद्र यादव जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, खास करके यादवों के बीच भी हैं, तो उनको भी वोट मिलेगा, तो वोट का तो विभाजन होगा बड़े पैमाने पे। जहाँ तक बात आपने देवेंद्र प्रसाद यादव की किए हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव की राजनीति शुरुआत जनता दल से हुई। जनता दल के सिंबल पर वे 3 बार विधायक बने थे, फिर जनता दल के साथ विश्वासघात करके जब राष्ट्रीय जनता दल में परिणत हुआ, तो विश्वासघात करके वे भाग गए जनता दल यू में। फिर जनता दल यू में उनका नहीं बन पाया, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल में आए। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर 2009 में चुनाव लड़े, वे हार गए। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, 2009 में वो हार गए। फिर 2014 में वे जनता दल के प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए थे।
जो जिसमें वो तीसरे स्थान पर थे, मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी जो अभी सिटिंग एमपी हैं वीरेंद्र चौधरी और तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री मंगनी लाल मंडल जी के साथ मुकाबला हुआ था, जिसमें मंगनी लाल मंडल जी 52,000 मत से हारे हुए थे। देवेंद्र यादव जी तीसरे स्थान पर थे, जिन्हें 1.5 लाख समथिंग वोट हुआ था। इस बार जदयू के भी प्रत्याशी नहीं है, वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार एक फॉर्मूला उन्होंने प्रचारित किया था, जातीय फैक्टर। वो कहते थे खास तौर पर स्वजातीय मतदाताओं के बीच में जाके कि यह झंझारपुर लोकसभा सीट 1989 से ही यादव यहाँ से एमपी होता रहा है, मुझे अगर टिकट नहीं मिला तो सुरेंद्र यादव जी को टिकट मिला, आज तक जो भी एमपी हुए सो यादव हुए। लालू यादव यादवों के साथ विश्वासघात किए हैं, इसलिए मंगनी लाल मंडल जी को प्रत्याशी बनाए हैं। मैं यादवों का अस्तित्व बचाने के लिए जनता दल यू के चुनाव पर आया हूं, इसलिए जदुवंशियों आप मुझे मतदान करें। उसके झांसे में आके कुछ यादव या हमें तो यहां तक कहना है कि लगभग वह 25 से 30% यादव का मत काटे हुए थे जनता दल यू प्रत्याशी होने के बाद, लेकिन इस बार यह शब्द भी कहने का, यह स्लोगन भी देने का उनके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं गुलाब यादव जी वे ऑलरेडी यादव समाज से आते हैं। तो फिर किस आधार पर वे कहेंगे कि मैं जदुवंशी हूँ मुझे वोट दीजिए, और कोई आधार नहीं है उनका। एक बात बताइए, यहाँ की जो लड़ाई है त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या सिर्फ जाति के समीकरण पे चुनाव हो रहे हैं, या आप लोगों ने जनता के बीच कुछ मुद्दे भी रखा है जिसे अगर आपकी जीत होती है तो उस सब्जेक्ट पे आप काम करेंगे? यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, इस लोकसभा क्षेत्र में कहीं त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के बीच में। जनता दल यू को भाजपा और लोजपा का समर्थन है, राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी और रालोसपा का समर्थन मिला हुआ है। रालोसपा का समर्थन मिला हुआ है। और जातीय की बात है, सच्चाई है पूरे हिंदुस्तान की, बड़ी बड़ी बातें नेता लोग जो करें, बड़े बड़े मुद्दा जो बना दे, मनगढ़ंत मुद्दा बना दे, सारे लोग जाति के आधार पर, जातिगत आंकड़ा के आधार पर ही टिकट बांटते हैं, चाहे कोई भी दल हो। जाति बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक जाति फैक्टर सच है, सच्चाई है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ रहा है कि हम ओबीसी से आते हैं? वे तो क्या मुद्दा लेंगे, पिछले बार अच्छे दिन आने वाले हैं मुद्दा पर चुनाव लड़े, मैं चाय वाला हूँ इस मुद्दा पर चुनाव लड़े, अब कि जब इनका मंदिर मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो गया, राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, तो पुलवामा में जो घटना घटी, कायरतापूर्वक घटना घटी, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, अब सैनिक के नाम पर, शहीद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसमें भी जब अपने को असफल देख रहे हैं तो अब पिछड़ा बात पर आ गए, जाति पर आ गए, वे कहाँ उससे वंचित हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी को बिहार में कितनी सीटें मिलने जा रही है? आरजेडी 2014 के चुनाव में 4 सीटें जीती हुई थी, 2009 के चुनाव में 4 सीटें जीती हुई थी, इस बार यह आंकड़ा 10 अंक में निश्चित रूप से पहुंचेगा। 19 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है, मेरा दावा है जो कम से कम 13 सीट बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मिलने जा रहा है। सिर्फ आरजेडी को 13 सीटें और सहयोगी को मिला करके ये बढ़ जाएगा आंकड़ा? हमारा सारा आंकड़ा मिला के हम लोग 24 और 25 पर पहुंचेंगे। 24 और 25 पे, मतलब आप एनडीए को कड़ी मात देने वाले हैं? मात नहीं देने वाले हैं, एनडीए है ही नहीं, जो कुछ भी है सो गलत सलत उल्टा सीधा पढ़ा के धन बल के बदौलत जो सीट वो ले वही होगा। हम लोग 24-25 सीट महागठबंधन बिहार में निश्चित रूप से जीतेंगे। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी।
आप हम लोगों के बीच आए, आप समूचे प्रखंड का दौरा किए हैं और सही बात बोले हैं। एक मेरा अंतिम में जाते जाते आपसे निवेदन होगा कि केवल बाजार में ही कुछ लोगों से बात करके आप लोग मीडिया में नहीं दें, टीवी पर नहीं दें, गांव में घुसें, गरीब लोगों के बीच में घुसें, जो अभी भी दर्द से करा रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद जो दलितों द्वारा किया गया था, बर्बर लाठी चार्ज किया गया था, गोली चलाया गया था, जो उसके सीने पर लगा हुआ है, उसके बीच में जाइए देखिए कितना आक्रोश है नरेंद्र मोदी के पर चलते 32 चैनल को खरीद लिया है, जो मीडिया बिकाऊ मीडिया कैसे केवल टीवी पर दिखाता है जो नरेंद्र मोदी पुनः सत्ता में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि पापर बेलना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनको सत्ता से हटना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने कहा कि झंझारपुर की लड़ाई में देवेंद्र यादव कहीं नहीं है और यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, खजौली। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।